हेलो फ्रेंड्स, आई रोहन सलूजा, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करने वाला व्हाई वुमेन आर द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, व्हाई वुमेन आर द न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज से कुछ वक्त पहले ये कहा जाता था कि एक औरत तभी महत्वपूर्ण कहलाएगी जब वो एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी पत्नी हो। आज से कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि औरतों को बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं है। औरतों की रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत तभी होगी जब वो घर के भीतर चार दीवारों के बीच रहकर काम करें। पर आज जो वर्तमान सिनारियो, आज जो प्रेजेंट सिनारियो, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वुमेन आर द न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज अनेक बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऐसे व्यक्ति की खोज करें जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल हो, हुनर हो, और उस हुनर के बेस पर वो अपने व्यापार को आगे ले जा सके, अपने व्यापार में सफलता हासिल कर सके। मैं उन हर बिजनेस ओनर, उन हर एंटरप्रेन्योर को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी ये खोज, उनकी ये तलाश उनके घर पर आकर ख़त्म होती है। Why women are the perfect entrepreneur? Why women are the great entrepreneur? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला कारण, they have a tremendous negotiation skill, they have a tremendous body language skill, जो उनके अंदर जन्मजात होती है। वे इजिली लोगों को जज कर लेती, उनको मालूम होता है कि कौन सी डील को करना है, कौन सी डील में ट्रांसपेरेंसी है, कौन सी डील में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज हर बिजनेस ओनर, हर entrepreneur बेच कर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बेच कर रेवेन्यू कमा रहा है। पर वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या करती, वो बाय करके प्रॉफिट अर्न कर रही, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रिमेंडस निगोशिएशन स्किल। उस रेट पे प्रोडक्ट को बाय करती जिस रेट पर वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहती हैं, उसके बाद अपने निगोशिएशन स्किल के दम पर वो प्रॉफिट कमा जाती हैं। आज मैं हर बिजनेस ओनर, हर एंटरप्रेन्योर को ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्पाउस को अपने व्यापार में शामिल करें। ये मत सोचे कि उनका एडुकेशन लेवल क्या है, ये मत सोचे कि उन्होंने बिजनेस में कोई MBA किया है, कोई बी स्कूल से डिग्री हासिल की है। सिर्फ यह सोचें कि उनके अंदर जो स्किल है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक व्यापार एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छे प्रोडक्ट, एक प्राइम लोकेशन में होने से नहीं बढ़ता। एक व्यापार बढ़ता है जहाँ एक परफेक्ट निगोशिएशन स्किल हो, एक सेलिंग स्किल हो, एक कन्विंसिंग स्किल हो, रेपो बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्किल हो, टीम को मैनेज करने की स्किल हो, तब जाकर एक व्यापार आगे बढ़ता है, तब जाकर एक व्यापार सफल होता है। एक जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली जहाँ 30 से 35 लोग एक छत के नीचे घर पर रहते हैं, वहाँ एक महिला का काम क्या होता है? पूरे परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखना। परिवार में चाहे छोटा सदस्य हो या फिर बड़ा सदस्य हो, उनको क्या देना है समय पर, उनको क्या नीड है, उनका ख्याल रखना। क्या ये एक व्यापार को करने से मुश्किल है या फिर आसान है? आई थिंक एक व्यापार को करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। वुमेन्स को एक पता होता है कि टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे तैयार करना है, टीम में एक परफेक्ट रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है सारे मेम्बर्स में। एक परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का उदाहरण देखने को सबसे ज़्यादा कहीं मिलता है तो वो है एक होलसेल सब्जी बाजार में, जहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर अपने निगोशिएशन स्किल के दम पर उस रेट पर वेजिटेबल को बाय कर लेती जिस रेट पर वो बाय करना चाहती हैं, उसके बाद अपनी कन्विंसिंग, अपनी सेलिंग स्किल से वो मुनाफा कमा जाती हैं। एक परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है एक एग्जीबिशन में, जहाँ एक वुमेन के अंदर एक निगोशिएशन स्किल रहती है, सेलिंग स्किल रहती है, कन्विंसिंग स्किल रहती है, जहाँ वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर लेती है। उनको यह मालूम होता है कि कस्टमर कौन से मोड का है, अगर विजुलाइज मोड का है, अदर लॉजिकल मोड का है, और अगर वो इमोशनल मोड का है। वो ठीक उसी तरीके से अपनी सेल्स को प्रेजेंट करती हैं और मुनाफा कमा के निकल जाती हैं। आज कई ऐसे वुमेन हैं समाज में जो कुछ अलग करना चाहती हैं। आज जितनी भी वुमेन मेरे वीडियो को देख रही हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, अगर आपका एक ख्वाब है, एक सपना है कि आपको एक परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये मत सोचे कि आपके पास जो आइडिया वो आइडिया छोटा है या फिर वो आइडिया बड़ा है। ये बिल्कुल भी मत सोचे कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, कोई रुकावट बनेगा रास्ते के, सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, वहाँ से शुरुआत करें, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। आज कई ऐसी वुमेन हैं जिनका ये सोचना है, जिनके जहन में ये सवाल होता है कि उनकी उम्र आज 40 साल है, उनकी उम्र आज 50 साल है या फिर 45 साल है, उनको लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई, अब हम क्या आगे काम करें, अब अपने सपनों को कैसे पूरा करें। जो हमारा सपना है कि हमको एक परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं उन सारी वुमेन्स को ये कहना चाहता, डोंट थिंक डैट यू आर टू ओल्ड टू सेट योर अनदर गोल और टू सेट योर न्यू ड्रीम्स, जस्ट स्टार्ट वर्किंग विथ योर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप सभी से एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो वाकई में समाज में एक मिसाल है, जिन्होंने एक रोल मॉडल बनी, जो समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बनी।
मैं कोई इंदिरा नोई या फिर नीता अंबानी के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ ग्रेजुएट है, जिनके पास कोई बिजनेस डिग्री नहीं थी, जिनके पास कोई एमबीए बी स्कूल्स की डिग्री नहीं थी। आज आप सभी से बात करने जा रहा हूं महिमा मेहरा के बारे में, जिनका जन्म जयपुर में हुआ। ये एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, पर महिमा मेहरा ने कभी यह नहीं सोचा था कि वो व्यापार करेंगी या फिर वो बिजनेस पर आएंगी, कभी भी नहीं सोचा था। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद वो जन सेवा आश्रम में नौकरी करने लगी और जन सेवा आश्रम के अंदर उनको एक हैंडमेड पेपर डिवीजन में काम दे दिया गया। उस हैंडमेड पेपर डिवीजन में काम करते करते उनको पेपर के काम में बहुत मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। मैं 7 महीने काम करने के बाद महिमा मेहरा ने यह तय किया कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगी और सन 1995 में उन्होंने अपने घर वालों से 12,500 रुपये की राशि उधार लेकर अपना व्यापार करने की इच्छा जाहिर की और निकल गई अपना व्यापार करने के लिए। शुरुआत में उन्होंने कुछ पेपर लिए, टेबल लिए, कुर्सी लिए और अपना व्यापार करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनकी ज़िंदगी में आए। फिर फाइनली उनकी मुलाकात एक ऐसी संस्था से हुई जहाँ से उनके व्यापार बदल गया। जी हाँ, इंडो जर्मन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुख्य मेंटोर बर्नार्ड मार्जेनिक ने उनकी लाइफ को बदला। उन्होंने उनको पहला ऑर्डर दिया, 7 लाख रुपए का ऑर्डर। वहां से उनका व्यापार आगे बढ़ा। फिर महिमा मेहरा ने तय किया कि वे अपने पेपर के काम को आगे बढ़ाएंगे और वो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर पर गई जो शहर पर बाजार नहीं था, जो शहर पूरा बीहड़ था, एक छोटा सा शहर। महज 24 साल की उम्र में महिमा मेहरा उस शहर पर गई जिस शहर का नाम है कल्पी। उस समय कल्पी हैंडमेड प्रोडक्शन का एक मुख्य केंद्र माना जाता था, एक ऐसा शहर जहां औरतें बाहर नहीं निकलती थी, एक ऐसा शहर जहां पुरुष जो थे वो औरतों से बात नहीं करते थे। महिमा मेहरा ने लगातार स्ट्रगल किया, लगातार अपने आप से फाइट करते रहे। फाइनली उनको 3 भाइयों की एक ऐसी यूनिट मिली जो उनके साथ काम करने को तैयार हो गई और उन्होंने अपने ब्रांड, अपनी कंपनी पेपरी को आगे बढ़ाया, पेपरी को अलग लेवल पे लेकर गए। उसके बाद उनका एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा अद्भुत आइडिया जो उनके बिजनेस को आगे लेकर चले गया। उन्होंने ये तय किया कि वो एलिफेंट डंग से पेपर बनाएंगे, जी हाँ, हाथी के गोबर से। और इस काम में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, उन्हें बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटी रहीं। उन्होंने हाथी के गोबर से कई पेपर खिलौने बनाए, जैसे कि लूडोस बच्चों के लिए, और धीरे धीरे उनका ब्रांड, उनकी कंपनी पेपरी एक अलग मुकाम तक पहुंच गई। क्या था उनके पास? क्या कोई एमबीए की डिग्री थी? कोई बहुत बड़े बी स्कूल की डिग्री थी? कुछ नहीं, सिर्फ एक ग्रेजुएट महिला। अगर कुछ था तो एक पॉजिटिव जुनून था, अगर कुछ था तो एक पॉजिटिव एंथुसियाज्म था। आज मैं हर महिला, हर वुमेन को कहना चाहता हूं, अगर उनका सपना है कि उनको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सिर्फ शुरुआत कर दें, अपने सपनों की उड़ान को भरने दें, अपने सपनों को मारे मत। अगर सपने मर गए तो कहीं ना कहीं भीतर से आप भी जीवित नहीं रहेंगे। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।